हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सुजुमे। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े घास के मैदान में अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। उसे सामने से एक औरत आती हुई दिखाई देती है जिसे वो अपनी मॉम समझ के आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उसका ये सपना टूट जाता है जिसे एक सुजुमे नाम की लड़की देख रही होती है। सुजुमे एक 17 साल की लड़की है जो अपनी मॉम के मरने के बाद अपनी आंटी तमाकी के साथ क्यूशू में रहती है। एक दिन सुजुमे को अपने स्कूल जाते हुए एक लड़का दिखाई देता है जो काफी हैंडसम होता है। सुजुमे उसे देखकर रुक सी जाती है। तभी वो उससे इस शहर के पुराने खंडर के बारे में पूछता है। सुजुमे उसे वहाँ का रास्ता बताकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद उसने उस आदमी को कहीं तो देखा है, इसलिए वो उसी खंडर की ओर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुंचकर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है उसे उसके अंदर वही जगह दिखती है जिसमें वो अपनी मॉम को ढूंढा करती थी। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाती है, पर तभी उसका पैर एक स्टोन पर लगता है जो वहाँ जमीन में गड़ा हुआ था। वो उसे बाहर निकाल कर देखने लगती है, पर तभी वो स्टोन एक बिल्ली का रूप लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर सुजुमे डर जाती है और वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में आ जाने के थोड़ी देर बाद ही सुजुमे को उसी खंडर वाली पहाड़ी से एक रेड कलर का धुआं आसमान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है जो सुजुमे के अलावा किसी और को नहीं दिख रहा था। वो उसे चेक करने के लिए वापस उसी खंडर में जाती है और देखती है कि वो रेड कलर का धुआं उसी दरवाजे से निकल रहा है जिसे उसने यहाँ आकर खोला था और जिसे वही लड़का बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वो अजीब सा धुआं उस लड़के को दूर ले जाकर पटक देता है, जिसके बाद जमीन से एक गोल्डन कलर की स्ट्रिंग निकलने लगती है जिसकी वजह से वो अजीब सा धुआं जमीन पर गिर जाता है और एक भूकंप आने लगता है। वो लड़का फिर जमीन से उठकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सुजुमे भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़का वहाँ के गॉड से लोगों को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। तभी उसके गले में पड़ी एक चाबी चमकने लगती है और गेट पर भी एक कीहोल बन जाता है। वो उसमें उस चाबी को लगाकर उस दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो अजीब सी चीज खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का सुजुमे से पूछता है कि तुम्हें वो वॉर्म कैसे दिख रहा था, वो तो किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखता है। सुजुमे को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, जिस पर वो लड़का उसे सब कुछ भूल जाने को बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। पर उसके हाथ में चोट लग गई थी, जिसे देखकर सुजुमे उसकी हेल्प करने के लिए उसे अपने घर ले आती है। अपने घर लाकर वो उसे एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा कर उसके हाथ पर पट्टी करते हुए उससे पूछती है कि वो क्या चीज थी और क्या हमने उसको हरा दिया। जिस पर वो सुजुमे को अपना नाम सोता बताता है और कहता है कि जिसे तुमने अभी देखा वो एक दूसरी दुनिया का वॉर्म है जो अगर यहाँ आ गया तो इस दुनिया को नष्ट कर देगा। मैं दरवाजे का पहरेदार हूँ, मेरा काम उन दरवाजों को बंद करना है ताकि वो सब इस दुनिया में ना आ सके। और हाँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने अभी सिर्फ उस दरवाजे को टेम्पररी ही बंद किया है। वो तब तक यहाँ आता रहेगा जब तक हम उस दरवाजे को एक कीस्टोन की मदद से बंद नहीं कर देते। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर वो ही बिल्ली आ जाती है जो सुजुमे को उस दरवाजे के पास मिली थी। असल में वो कोई बिल्ली नहीं होती है, वही कीस्टोन होता है जिसकी मदद से उस दरवाजे को परमानेंट तरीके से लॉक किया जा सकता है। सुजुमे को वो बिल्ली बहुत कमजोर लगती है, इसी वजह से वो उसे खाना दे देती है, जिसकी वजह से उस बिल्ली को सुजुमे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब उस बिल्ली को लगता है कि सोता उसे पकड़कर फिर से वहीं कैद कर देगा, इसलिए वो अपनी शक्तियों की मदद से सोता की आत्मा को वहाँ रखी एक छोटी सी कुर्सी में डाल देती है, जिससे सोता उस कुर्सी में बदल जाता है और वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। तभी सोता कुर्सी के रूप में उसके पीछे भागता है। सुजुमे भी उन दोनों के पीछे भागने लगती है। वो बिल्ली एक पानी की शिप पर चढ़ जाती है। सुजुमे और सोता भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे उस शिप पर चढ़ जाते हैं, पर तभी वो शिप अपने डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ती है। लेकिन वो बिल्ली उस शिप से एक छोटी बोट पर कूदकर वहां से चली जाती है। वो बोट भी उसी डेस्टिनेशन पर जा रही होती है। अब रात में सुजुमे अपनी आंटी को फोन लगाकर उन्हें बताती है कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रही है और रात को वापस नहीं आएगी, जिस पर उसकी आंटी बहुत गुस्सा होती है। जिसके बाद सुजुमे और सोता बातें करने लगते हैं। यहाँ बातों ही बातों में सुजुमे उसे बताती है कि मुझे उस दरवाजे के पास एक स्टोन मिला था, पर तभी वो एक बिल्ली में बदलकर वहाँ से भाग गया। अब सोता सारी बात समझ जाता है कि वो बिल्ली ही मेहराब का पत्थर है, यानी कि वो कीस्टोन जिसने एक बिल्ली का रूप ले लिया है
और मुझे एक कुर्सी में बदल दिया। वो सुजुमे को सारी बात बताता है कि तुमने उस पत्थर को वहाँ से उठाकर उसे आजाद कर दिया था, जिसकी वजह से अब नई नई जगह दरवाजे खुलेंगे और वो शैतानी वॉर्म उसमें से बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उस कीस्टोन को पकड़कर उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना होगा, वरना ये दुनिया नहीं बचेगी। उसी रात सुजुमे को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। वो जैसे ही अपनी मॉम को ढूंढती है सपना टूट जाता है। अब सुबह भी हो चुकी थी और वो शिप भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। सुजुमे अपना फोन खोलकर उस जगह का मैप चेक करने लगती है, पर अब उन्हें पता चलता है कि वो बिल्ली क्यूट होने की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुकी है। वो जहां भी जाती है लोग उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं और उन्होंने उसका नाम डायजिन रख दिया है। तभी एक पोस्ट की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि डायजिन एक रेलवे स्टेशन पर है, जिसे देखकर सोता सुजुमे को घर जाने के लिए कहता है और खुद उस बिल्ली डायजिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। पर धीरे धीरे सोता भी चलने वाली कुर्सी के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस होने लगा था और कोई उसे पकड़ ना ले, इसलिए सुजुमे भी उसके साथ जाने लगती है। उसी रास्ते पर उन्हें एक चीका नाम की लड़की मिलती है जिसके सारे ऑरेंज गिर जाते हैं, पर सोता और सुजुमे उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सुजुमे को शुक्रिया बोलती है और बातें करने लगती है, पर उसी वक्त सुजुमे की नजर एक पहाड़ी पर पड़ती है जिसमें से वो शैतानी वॉर्म बाहर आ रहा था। वो सोता को उठाकर उस पहाड़ की ओर जाने लगती है, जहां पहुंचने में उनकी मदद चीका करती है, लेकिन बाकी लोगों की तरह ही उसे भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। वहां पहुंचते ही सुजुमे और सोता उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और सोता अपने गॉड से हेल्प मांगता है। तभी उस गेट में एक की होल बन जाता है, पर कुर्सी में बदल जाने की वजह से सोता उस गेट को बंद नहीं कर सकता था, इसलिए वो सुजुमे से उस दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है, पर उससे वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। जिस पर सोता कहता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के बारे में सोचो, तुम्हें उनकी आवाज सुनाई देगी और उसी वक्त तुम ये दरवाजा बंद कर देना। तभी सुजुमे को वहाँ के लोगों की आवाज आने लगती है और वो दरवाजा बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो वॉर्म फिर से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर फिर से डायजिन आकर सुजुमे को ये बोलता है कि बहुत खूब, पर सुजुमे अगला दरवाजा जल्द ही खुलेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात सुजुमे अब चीका के घर रुकती है। तभी उसकी आंटी का फोन आता है और वो सुजुमे से पूछती है कि तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम कहीं किसी लड़के के साथ तो नहीं हो। जिस पर सुजुमे उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। अब उसी रात बातों बातों में ही सुजुमे और चीका एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। वो सुजुमे को खाने के लिए खाना और दूसरे कपड़े भी देती है। रात में सोते हुए वो उससे उस कुर्सी के बारे में भी पूछती है जिसमें अब सोता की आत्मा है। वो कहती है कि तुम हर जगह इस कुर्सी को अपने साथ लेकर क्यों घूमती हो। जिस पर सुजुमे उसे बताती है कि ये कुर्सी मुझे मेरी माँ ने दी थी और ये उनकी आखिरी निशानी है। अगले दिन सुजुमे सुबह उठकर सोता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। वो चीका से पूछती है कि अगर कोई जल्दी ना जागे तो उसे कैसे उठाया जाए। चीका उसे बताती है कि अगर तुम उसे किस करोगी तो वो उठ जाएगा। जिसके बाद सुजुमे ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है कि डायजिन कीवा में एक ब्रिज के ऊपर है। वो फौरन सोता के पास जाती है, लेकिन वो अभी भी सो रहा था। तभी उसे ध्यान आता है कि चीका ने उसे किस करने को कहा था। वो जैसे ही उसे किस करने वाली होती है तभी वो जाग जाता है। सुजुमे उसे डायजिन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों अब कीवा के लिए निकल जाते हैं। चीका उन्हें रास्ते के लिए खाना देती है और बोलती है कि दोबारा मुझसे मिलने जरूर आना। अब हम आगे देखते हैं कि वो दोनों एक बस स्टैंड पर बैठे हुए एक बस का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां सोता उससे पूछता है कि इस कुर्सी के तीन पैर क्यों हैं। सुजुमे उसे बताती है कि बचपन में मुझसे ये कुर्सी खो गई थी, पर जब ये मुझे मिली तो इसके तीन ही पैर थे। इतने में वहाँ एक लेडी आ जाती है जो अपने बच्चों के साथ कीवा ही जा रही थी। सुजुमे उसके साथ जाने लगती है। तभी कीवा पहुंचकर उस लेडी को पता चलता है कि आज उसकी बेबी सिटर उसके बच्चों का ख्याल रखने नहीं आएगी। असल में उस लेडी का एक बियर बार होता है, इसलिए वो रात को अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती है। पर अब वो सुजुमे के साथ काफी फैमिलियर हो चुकी थी, इसलिए वो उससे एक दिन के लिए उसके बच्चों का ध्यान रखने को बोलती है। सुजुमे के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी हाँ बोल देती है। रात में बच्चों का ध्यान रखते हुए सुजुमे और सोता बहुत एंजॉय करते हैं। सोता भी उन बच्चों को अपने ऊपर बैठाकर घुमाने लगता है। वहीं दूसरी ओर
सुजुमे की आंटी तमाकी को उसकी अब बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने फोन में उसकी लोकेशन देखकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर वो लेडी सुजुमे को अपने साथ बार में हेल्प करने के लिए बोलती है। हेल्प करते करते उसे उसी बार में फिर से डाइजिन दिखाई देता है। वो सोता को अपने साथ लेकर डाइजिन के पीछे जाने लगती है। बाहर आकर डाइजिन और सुजुमे को एक जगह से वही शैतानी वॉर्म निकलता हुआ दिखाई देता है। तभी सोता डाइजिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो सभी उस वॉर्म की तरफ ही जा रहे थे, जो इस बार एक बंद पड़े एम्यूजमेंट पार्क के झूले के एक दरवाजे से बाहर निकल रहा था। वहां पहुंचकर सोता सुजुमे को दरवाजा बंद करने के लिए बोलता है और खुद डाइजिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। उसे पकड़ते हुए धोखे से एम्यूजमेंट पार्क की लाइट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वो झूला भी चलने लगता है। पर सुजुमे उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे दरवाजे के अंदर बचपन वाली सुजुमे दिखाई देती है, जिसे एक लेडी वो कुर्सी दे रही थी, जो उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी। सुजुमे को वो लेडी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रही थी, जिसे देखकर वो उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है। पर सुजुमे को ये नहीं पता था कि वो उस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकती, और जैसे ही वो उसे पार करेगी वो झूले से नीचे गिर जाएगी। ये देखकर सोता डाइजिन को छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए वहाँ के गॉड से हेल्प मांगता है, और तभी वो चाबी फिर से चमकने लगती है, जिसकी वजह से सुजुमे को भी होश आ जाता है। और तभी सुजुमे उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिसके बाद सोता उससे पूछता है कि तुमने उस दरवाजे के अंदर क्या देखा। सुजुमे उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो उसे बताता है एवर आफ्टर यानी मरने के बाद की दुनिया, जिसके अंदर वो शैतानी वॉर्म रहता है, कोई भी इंसान उसके अंदर नहीं जा सकता है। जिसके बाद वो वापस उसी लेडी के बारे में आ जाती है। वो उस पर ऐसे अचानक गायब होने की वजह से गुस्सा होती है, पर बाद में वो सब हंसते हुए मिलकर खाना खाने लगते हैं। अब अगली सुबह हम सोता को उसके सपने में देखते हैं, जहां उसके सामने एक दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुर्सी से उठ नहीं पाता है और धीरे धीरे वहीं पर जमने लगता है। उसे लगता है कि बस यही उसकी मौत है, पर बाहर की दुनिया में सुजुमे उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से उसके सामने वाला दरवाजा खुल जाता है और वो नींद से जाग जाता है। पर असल में ये कोई सपना नहीं था, सोता की आत्मा धीरे धीरे जमती जा रही थी, क्योंकि जब डाइजिन ने उसे इस कुर्सी में बदला तो उसने सोता को अपना कीस्टोन का रोल भी दे दिया था, जिसकी वजह से अब सोता धीरे धीरे कीस्टोन बनता जा रहा था, जिस बात से सोता अभी तक अनजान था। तभी सुजुमे को एक पोस्ट से पता चलता है कि डाइजिन इस वक्त टोक्यो में है, जिसके बाद वो दोनों बुलेट ट्रेन में बैठकर टोक्यो के लिए निकल जाते हैं। सुजुमे बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने लाइफ में पहली बार बुलेट ट्रेन में बैठ रही होती है। टोक्यो पहुंचते ही सबसे पहले सोता सुजुमे को अपने घर लेकर जाता है, क्योंकि उसे वहां कुछ चीज देखनी थी। अपने घर पहुंचकर सोता सुजुमे से अलमारी के ऊपर रखे एक बॉक्स को उतारने के लिए कहता है, जिसमें एक बुक होती है। उस बुक के अंदर उस शैतानी वॉर्म और दरवाजे के पहरेदारों के बारे में लिखा होता है। वो सुजुमे को उस किताब में बने चित्रों की मदद से समझाता है कि दरवाजों को बंद करने के लिए दो कीस्टोन होते हैं। एक तो डाइजिन है, जिसे तुमने आजाद कर दिया, और दूसरा कीस्टोन यही टोक्यो में है, जिसने उस वॉर्म के हेड को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन 100 साल पहले वो टोक्यो के दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर आ गया था, जिसकी वजह से टोक्यो का एक हिस्सा पूरा बर्बाद हो गया था। पर उस समय दरवाजों के पहरेदारों ने कीस्टोन की मदद से उसे बंद कर दिया। सोता टोक्यो के दरवाजे की लोकेशन इसी बुक में ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डाइजिन ही इन सभी दरवाजों को खोल रहा है, लेकिन उसे उस बुक में कुछ नहीं मिलता है। जिस पर वो बोलता है कि शायद मुझे अपने ग्रैंडफादर से इसकी लोकेशन पूछनी होगी, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो सोता से पहले एक गेट के पहरेदार थे। तभी सोता का बेस्ट फ्रेंड टोमोयो वहाँ आ जाता है। सुजुमे अपने आप को सोता की बहन बताती है। टोमोया उसे बताता है कि सोता ने अपने टीचर का एग्जाम छोड़ दिया है, जिसकी वो 4 साल से तैयारी कर रहा था। अगर तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे बता देना, मुझे उससे अपने पैसे भी लेने हैं। उसी समय सुजुमे को शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शैतान वॉर्म दिखाई देता है, यानी काफी जगह पर दरवाजे खुलने की वजह से वो दूसरा कीस्टोन टोक्यो के दरवाजे को खुलने से नहीं रोक पाया। सुजुमे उस शैतानी वॉर्म को देखते ही सोता को अपने साथ उठाकर उस वॉर्म की ओर भागने लगती है। तभी वो देखती है कि डाइजिन भी उसके साथ भाग रहा होता है। सोता उसे पकड़ने के लिए रोड के ऊपर भागने लगता है। तभी उन दोनों की नजर शैतानी वॉर्म के दरवाजे पर पड़ती है, जो इस बार एक टनल में ओपन हुआ था, जिसमें से ट्रेन गुजर रही होती है। उसके अंदर जाकर उसे बंद करने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वॉर्म के ऊपर डाइजिन को देखकर सोता उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद जाता है, जिसे देखकर सुजुमे भी उस शैतानी वॉर्म के ऊपर कूद जाती है, जहां उस शैतानी वॉर्म ने थोड़ी देर में ही पूरे शहर को घेर लिया था। जिसे देखकर सोता सुजुमे से कहता है कि हमें डाइजिन को कीस्टोन में बदलकर
उसे इस वॉर्म के अंदर गाड़ना होगा, वरना ये पूरा शहर और लाखों लोग मारे जाएंगे। जिस पर सुजुमे डायजिन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वापस कीस्टोन में बदल जाओ। पर डायजिन कहता है कि अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ। वो तेजी से सोता के पास आता है और कहता है कि अब तुम कीस्टोन हो। जिसे सुनकर सोता अब पूरी बात समझ जाता है कि वो सपने में क्यों जम रहा था। असल में जब डायजिन ने सोता को कुर्सी में बदला था तो उसी वक्त उसने अपना कीस्टोन का रोल भी उसे दे दिया था, जिसके तुरंत बाद तभी सोता पूरी तरह से जमने लगता है और एक कीस्टोन में बदल जाता है। सुजुमे उसे देखकर रोने लगती है। डायजिन सुजुमे के पास आकर बोलता है कि उसे इस वॉर्म के अंदर गाड़ दो, वरना लाखों लोगों की जान चली जाएगी। अब ना चाहते हुए भी सुजुमे रोते रोते सोता को उस वॉर्म के अंदर गाड़ देती है, जिसकी वजह से वो वॉर्म खत्म हो जाता है। सुजुमे आसमान से नीचे गिरने लगती है, पर डायजिन उसे बचा लेता है। वो उसी जगह पर गिरती है जिस जगह टोक्यो का दरवाजा था। दरवाजे के अंदर उसे सोता दिखाई देता है। वो अंदर जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उस दुनिया में वापस नहीं जा पाती है। तभी डायजिन उसके पास आकर कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी, जिस पर सुजुमे उसे बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत है, चले जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ये सुनते ही डायजिन कमजोर होने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सुजुमे उस गेट को भी चाबी की मदद से बंद कर देती है। अब सुजुमे को लगता है कि शायद सोता के ग्रैंडफादर को उस दुनिया में जाने का कोई रास्ता पता हो, जिससे मैं सोता को बचा सकूं। जिसके बाद सुजुमे सोता के ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल में जाती है और उनको सारी बात बताती है, लेकिन वो उसे सोता को बचाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अगर सोता, जो इस समय कीस्टोन है, अगर उस दुनिया से वापस आया तो फिर से वो शैतानी वॉर्म आजाद हो जाएगा, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो सकती है। पर सुजुमे का सोता के लिए प्यार देखकर वो उसे उस एवर आफ्टर की दुनिया में जाने का एक रास्ता बता देते हैं। वो बोलते हैं कि एक अनोखे दरवाजे से बचपन में कोई ना कोई कभी गलती से उस दुनिया में चला जाता है। तुमने तो उस दुनिया को देखा है ना, तुम्हें क्या दिखा उसके अंदर? सुजुमे उन्हें बोलती है कि मैंने उस दुनिया में अपने बचपन और अपनी माँ को देखा था। जिस पर सोता के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं जानता था तुम बचपन में उस दुनिया के अंदर जा चुकी हो, बस तुम्हें याद नहीं है। असल में बचपन में सुजुमे अपने घर के पास खो गई थी और तभी गलती से वो उस दरवाजे से एवर आफ्टर की दुनिया में पहुंच गई थी। यानी उसे जो इतने सालों से सपने आते हैं, वो असल में उसकी उस दुनिया की यादें हैं जिन्हें वो भूल चुकी थी। लेकिन सोता के ग्रैंडफादर के बताने के बाद उसे अब सब कुछ याद आ जाता है और वो वहाँ से अपने पुराने घर की ओर जाने लगती है। उसके जाने के बाद सोता के ग्रैंडफादर की खिड़की पर एक काली बिल्ली आकर बैठ जाती है, जो असल में दूसरा कीस्टोन होता है, जिसे देखकर वो बोलते हैं कि काफी टाइम हो गया था तुम्हें देखे हुए, आखिरकार तुम आजाद हो ही गए, क्या अब तुम उस लड़की का पीछा करने वाले हो? सुजुमे को रास्ते में सोता का बेस्ट फ्रेंड टोमोयो अपनी कार के साथ मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सोता के पास जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी उसकी आंटी तमाकी भी सुजुमे को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है। सुजुमे उन्हें देखते ही टोमोया की कार में चढ़ जाती है, पर उसकी आंटी तमाकी भी उसके पीछे उस कार में चढ़ जाती है। तभी डायजिन भी उसकी कार में आकर बैठ जाता है। तमाकी सुजुमे पर सवालों की बौछार कर देती है, पर सुजुमे उन्हें उसके पुराने घर जाने को कहती है, जिसके बाद टोमोया सभी को उनके पुराने घर की ओर ले जाता है। रास्ते में बारिश होने की वजह से उन्हें एक जगह रुकना पड़ता है, जहाँ सुजुमे की आंटी तमाकी उस पर फिर से सवालों की बौछार कर देती है और कहती है कि मैं इतने दूर से चलकर तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम अब भी मुझे कुछ नहीं बता रही हो। जिस पर सुजुमे अपनी आंटी से कहती है कि मैंने आपको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर तमाकी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सुजुमे को बोलती है कि मैं ही पागल थी जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, किसी से आज तक शादी नहीं की और तुम्हारी मॉम के मरने के बाद तुम्हारा ख्याल रखा। जिस पर सुजुमे बोलती है कि ये सब करने के लिए मैंने नहीं कहा था। ऊपर से तमाकी सुजुमे से ये कहती है कि आज के बाद मेरे घर में मत आना, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सुजुमे समझ जाती है कि ये मेरी आंटी नहीं है, क्योंकि वो मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोल सकती। तभी सुजुमे को आंटी के पीछे एक काली बिल्ली दिखाई देती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बिल्ली बोलती है कि मेरा नाम सदायजिन है। असल में सदायजिन यानी कि वो दूसरा कीस्टोन उसकी आंटी को भड़का रहा था। तभी डायजिन उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ता है और उसकी आंटी नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता है। अब सदायजिन भी डायजिन को लेकर उसी कार के अंदर बैठ जाता है और वो सब फिर से सुजुमे के पुराने घर की ओर चलने लगते हैं, जहाँ रास्ते में सदायजिन के बोलने की वजह से
तो मोया एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी बिल्ली को बोलते हुए सुना था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो सब ठीक होते हैं। सुजुमे कार से निकलकर लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन तभी तमाकी को वहाँ एक पुरानी साइकिल पड़ी मिलती है। वो सुजुमे को उस पर बैठाकर उसके घर की ओर जाने लगता है। वही रास्ते में तमाकी उससे माफी भी मांगती है कि मैंने जो कुछ भी तुमको कहा वो सब झूठ था, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर सुजुमे बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों पुराने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। सुजुमे अपने पुराने घर पहुंचकर उस दरवाजे को ढूंढने लगती है। तभी सदाइजिन और डाइजिन उसे उस दरवाजे तक ले जाते हैं, जिसे देखकर सुजुमे समझ जाती है कि डाइजिन बुरा नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी मदद करना चाहता था, इसलिए वो मुझे उन्हीं जगह पर ले जाता था जहाँ दरवाजे खुलने वाले होते थे। तभी सुजुमे उसे शुक्रिया बोलती है, जिसके बाद वो फिर से ठीक हो जाता है। तभी तमाकी सुजुमे से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो बोलती है अपने प्यार को बचाने, और वो तीनों उस दरवाजे से एवर आफ्टर की दुनिया में चले जाते हैं, जहां उस शैतानी वॉर्म ने उस पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा था। वो वॉर्म बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सदाइजिन अपने असली रूप में आकर एक बहुत बड़ी बिल्ली बन जाता है और उस वॉर्म को दरवाजे तक पहुंचने से रोकता है। तभी सुजुमे की नजर सोता पर पड़ती है, वो डाइजिन को लेकर उसकी ओर भागने लगती है। सोता के पास पहुंचकर वो उसे वहां से निकालने लगती है, जिस पर डाइजिन उसे मना करता है कि ऐसा मत करो वरना दूसरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सुजुमे उसको कहती है कि इसकी जगह मैं कीस्टोन बन जाऊंगी, बस इसे आजाद होने दो। सुजुमे का प्यार देखकर डाइजिन भी उसकी हेल्प करने लगता है। सुजुमे को उस कुर्सी यानी सोता के अंदर से आवाज आने लगती है कि मैं जीना चाहता हूँ उन सभी लोगों के साथ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तभी सुजुमे सोता को किस कर देती है, जिससे उसके अंदर का दरवाजा खुल जाता है और सोता आजाद हो जाता है। लेकिन इन सब की वजह से डाइजिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। सुजुमे उसे अपने हाथों में उठा लेती है। डाइजिन उसे बोलता है कि सॉरी सुजुमे, मैं तुम्हारे साथ ना रह सका, और वो फिर से एक कीस्टोन बन जाता है, यानी उसने सुजुमे के प्यार को वापस लाने के लिए अपने आप को फिर से एक कीस्टोन बना दिया। ये देखकर सुजुमे रोने लगती है क्योंकि वो उसे हमेशा गलत ही मानती रही। वहीं दूसरी ओर वो वॉर्म सदाइजिन को मारकर दरवाजे की ओर आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर सोता अपने गॉड्स की हेल्प मांगता है, और तभी डाइजिन सुजुमे के और सदाइजिन सोता के हाथ में कीस्टोन बनकर आ जाते हैं। सुजुमे और सोता दोनों कीस्टोन्स को उस वॉर्म के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे वो वॉर्म पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। असल में वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुजुमे थी, जो अपनी मॉम को ढूंढते हुए गलती से उस अनोखे दरवाजे से यहाँ पर आ गई थी। सुजुमे छोटी सुजुमे को कुर्सी देती है और कहती है कि तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तुम उनका सामना कर ही लोगी, जिसके बाद वो छोटी सुजुमे को वापस वहीं छोड़ आती है जहां वो खोई थी, और खुद भी सोता के साथ अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। यानी सुजुमे बचपन से अपने सपनों में जिसे अपनी मॉम समझ रही थी, असल में वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। जिसके बाद सोता सुजुमे को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसे ना जाने और कितने दरवाजे अभी बंद करने थे। लेकिन वो जाते हुए सुजुमे से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा। सुजुमे अपनी आंटी के साथ फिर से अपने घर चली जाती है और खुशी से उनके साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन स्कूल जाते वक्त उसे फिर से सोता उसी जगह पर खड़ा मिलता है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे, और उनकी इसी मुलाकात के साथ ये फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।